नमस्कार बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संगठनात्मक ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, संगठनात्मक ढांचा दरअसल एक इस तरह का स्ट्रक्चर है या इस तरह की संरचना है जिससे जो भी कर्मचारी, अधिकारी, प्रबंधक हैं उनके आपस में कैसे संबंध हैं इसी का प्रदर्शन होता है। देखिए, संगठन जो होता है वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कार्यों को, कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को कुछ लोगों में विभाजित करता है और इन सभी का वह गुणों के आधार पर या विशेषता के आधार पर समूहीकरण करता है, यानी कि एक विशेषता या एक जैसे ही गुण वाले कार्यों को, उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को उनकी ग्रुपिंग करता है, उनको एक जगह लेके आता है, उनका समूहीकरण किया जाता है। तो संगठनात्मक ढांचा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रबंधक, अधिकारी, कर्मचारी, इनकी संस्था में क्या स्थिति है, अलग अलग कर्मचारियों की, अलग अलग प्रबंधकों की, अलग अलग अधिकारियों की, और आपस में उनके संबंध एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्टिंग लेगा वगैरह। अब आइए जानते हैं कि जो संगठनात्मक ढांचे होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संगठनात्मक जो ढांचे होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है कार्यात्मक ढांचा। कार्यात्मक ढांचा यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए, बहुत सारे काम करने होते हैं प्रबंधकों को, तो वह जो कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर जब हम स्ट्रक्चर अपना तैयार करेंगे तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब विभागीकरण यहाँ भी हो रहा है और विभागीकरण आगे भी होगा प्रभाग के आधार पर, लेकिन अभी हम इसे फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि कार्यों के आधार पर जानते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल करेंगे कि भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक संस्था को कौन कौन से कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। तो इनमें जो प्रमुख कार्य होंगे, पहला कार्य जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, वित्त से संबंधित कार्य होंगे जिसमें आप पैसा जुटाएंगे, उसको कहीं अप्लाई करेंगे, है ना। इसके अलावा वित्त से संबंधित जितने कार्य होंगे उन्हें कौन करेगा, जाहिर सी बात है उन्हें वित्त विभाग करेगा, यानी कि आप एक वित्तीय विभाग ही बना देंगे जो वित्तीय कार्यों को करेगा। फिर विक्रय से संबंधित जो कार्य होंगे उन्हें कौन करेगा, उन्हें जो है विक्रय विभाग करेगा। उत्पादन से संबंधित कार्य उत्पादन विभाग करेगा। तो इस तरह से आपने कार्यों के आधार पर विभाग बना दिया। तो कार्यात्मक ढांचा जो होता है इसके अंतर्गत आप क्षेत्रानुसार भी समूहीकरण कर सकते हैं, जैसे इस तरह का भी कर सकते हैं कि जैसे मान लिया उत्पादन विभाग है, लेकिन उत्पादन विभाग में उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम क्षेत्र, इस तरह से भी आप कार्यात्मक ढांचे में क्षेत्रों के अनुसार भी आप आवंटन कर सकते हैं कार्यों का, या यूँ कहें कि विभाजन कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये विभाजन कैसे होंगे, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, क्रय विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, ये सब आपके कार्यों के आधार पर जो डिवीज़न बनाए जाएंगे, जो विभाग बनाए जाएंगे, डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, ये उनका उदाहरण है। अगर आप क्षेत्र के अनुसार करेंगे तो फिर इन विभागों में अलग अलग क्षेत्र के सब डिवीजन्स बनेंगे, जो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्र, इस तरह से होंगे। इस संगठन को अगर हम अपनाते हैं तो कौन कौन से लाभ होते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। देखिए, जो पहला लाभ होगा वो क्या होगा, जो कार्यात्मक संरचना होती है ये पूरी की पूरी कार्यों के चारों ओर घूमती है, ठीक है, और इनके अंतर्गत आप पाते हैं कि विशिष्ट कार्यों पर आप बल देते हैं जिससे कर्मचारियों की कुशलता और कार्यदक्षता भी बढ़ती है। क्योंकि एक ही प्रकार का कार्य लगातार जब कोई व्यक्ति करता है तो वह उसमें दक्ष होता चला जाता है, एफिशिएंट होता चला जाता है, और वह अनुभव भी प्राप्त करता है जिससे वह एक्सपीरियंस्ड कहलाता है। एक जैसे कार्यों को एक विभाग में जब आप बांट देते हैं तो विशिष्ट कार्यों पर जोर दिया जाता है, तो इस तरह से संरचना, समन्वय और नियंत्रण दोनों आसान हो जाता है, संस्था को ये दोनों काम करने में आसानी रहती है। उसके बाद में हम बात करें तीसरे लाभ की, जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम समान कार्यों को एक साथ और अलग अलग कार्यों को अलग अलग कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि संस्था में कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, लागत भी कम लगेगी। आपको याद रखिएगा जो मैंने चार नौकरों वाला उदाहरण इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिया है, अगर आप
कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं, कार्यों के आधार पे लोगों में के बीच कार्य का बंटवारा उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अगर आप कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी लागत कम हो जाती है। और दूसरा जो लाभ है, कार्यात्मक संरचना के कारण कर्मचारियों को आसानी से आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। भाई एक व्यक्ति को एक ही काम सिखाना है ना, जैसे चार नौकरों का उदाहरण दिया था, तो एक को खाना बनाना सिखाना है, एक को कार चलाना सिखाना है। अगर वो पहले से जानता है तो उसको बेहतर सिखाना है, तो अगर आप ड्राइवर को ट्रेनिंग देना चाहेंगे तो ड्राइविंग की दे देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन आप सोचिए कि चारों नौकरों को चारों काम सिखाने हो तो ये तो बड़ा कठिन काम है, उसमें लागत भी बढ़ जाएगी, है ना। और अंतिम जो एक लाभ है, कार्यात्मक ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक कार्य पर उचित ध्यान दिया जाता है। कुछ हानियाँ भी हैं इसकी, आइए हानियों को जानते हैं। देखिए हानियों में सबसे पहले जो हानि है वह क्या है, कार्यात्मक संरचना का एक बड़ा दोष है जो इसकी परिभाषा में ही आता है। पहले ही कहा गया है कि यह एक उद्यम के कार्यों के आधार पर विभाजन पर जोर देता है। अब चूंकि यह विभिन्न कार्यों पर ही जोर देगा, इसलिए होगा क्या कि आमतौर पर संगठन के हितों के बजाय आप विभागीय हितों पर ज़्यादा फोकस रहेंगे, और तकनीकी रूप से ये जो संगठन होंगे, संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी जगह पे आप कार्यात्मक साम्राज्य का उद्भव शुरू हो जाएगा, यानी कि कार्यात्मक साम्राज्य, यानी कि उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, ये विभाग भी जो होंगे ये काफ़ी प्रभावी हो जाएंगे और संगठन के उद्देश्य कहीं पीछे छूट सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि भाई आप संगठन में कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्यों मानते हैं, क्यों बनाते हैं, संगठनात्मक लक्ष्यों को पाने के लिए तो बनाते हैं। लेकिन अगर विभागीय जो लक्ष्य हो गए वो प्रमुख हो गए संगठनात्मक लक्ष्यों के भी ऊपर, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी संभावना इसमें रहती है। इसके बाद में फिर आता है एक और हानि की संभावना है, वह है कि चूंकि विभाग जो हैं वह एक दूसरे के संचालन पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन अपने आप में बड़ी बाधा है। जैसे क्रय विभाग जिस जब कच्चा सामग्री जो होगी, कच्चा माल जो होगा उसका क्रय कर लेगा, तभी तो उत्पादन विभाग उसके आधार पर उत्पादन कार्य कर पाएगा। उत्पादन विभाग जब कुछ वस्तुओं को बना लेगा, विपणन विभाग तभी तो उनकी मार्केटिंग कर पाएगा, विक्रय विभाग तभी तो उनको बेच पाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि अगर ये जो विभाग हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा तो बड़ी बाधा आएगी और ये संगठन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एक और हानि है इसकी, विभिन्न विभागों के बीच हितों का टकराव होता रहता है। डिपार्टमेंट आपस में तमाम तरह की खींचतान किया करते हैं और विभिन्न विभाग बिक्री पर छूट, जैसे विक्रय विभाग जो है वो बिक्री पर छूट देने पर जोर देता है, तो वित्त विभाग कहता है कि भाई ये ठीक नहीं है क्योंकि इससे उनकी इनकम घट जाती है। विक्रय विभाग क्या कहता है कि भाई आप अगर विक्रय पर छूट नहीं देंगे तो माल बिकेगा कैसे, ये तो सामान्य सी नीति है। विक्रय विभाग तो यही चाहेगा कि माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, उसके लिए छूट देना पड़ेगा। लेकिन वित्त विभाग कहता है कि नहीं, इससे हमारी इनकम घट जाती है, ज़्यादा छूट हम नहीं दे सकते। तो विभागों के बीच में आपस में खींचतान चलती रहती है। एक और है कि जब व्यक्ति हमेशा एक ही प्रकार का कार्य करता है तो उसकी विचारधारा कभी कभी संकीर्ण हो जाती है, कभी कभी उसे लगता है कि उसे सब कुछ आ गया है उस फील्ड का, जबकि ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी सब कुछ आ जाए। तो अलग अलग दृष्टिकोण की वह सराहना नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वह उनको जितना आता है वह बहुत कुछ है। उनका प्रशिक्षण एक ही क्षेत्र तक सीमित रहता है, जैसे ड्राइवर को सिर्फ कार चलाना आता है, तो अगर इमरजेंसी में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा नौकर नहीं आया तो कार्य रुक जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर कहीं पे कर्मचारी को केवल एक ही कार्य आता है तो वो मल्टी पर्पज़ या मल्टी टास्किंग कर्मचारी के तौर पे कभी भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ एडवांटेज में यही है कि उसमें विशेषज्ञता डेवलप होगी, लेकिन डिसएडवांटेज ये भी तो है कि अगर वह व्यक्ति नहीं आया जिसको वह कार्य आता था तो वह कार्य ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है, वो किसी अन्य क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते हैं जब आप फंक्शनल डिवीज़न करते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा आइए ये भी देख लेते हैं। जैसे एक निदेशक मंडल होगा, निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे हम क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, निदेशक मंडल, फिर इनके अंडर में एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर के अंडर में उत्पादन विभाग का हेड होगा, विपणन विभाग यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होगा,
और परचेज विभाग का हेड होगा। तो ये जो प्रबंध होगा इसे आप जनरल प्रबंधक बोल सकते हैं, जनरल मैनेजर बोल सकते हैं, और इसे बोला जाएगा जो उत्पादन विभाग का हेड होगा इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर। विपणन विभाग का हेड होगा इसको क्या बोलेंगे, मार्केटिंग मैनेजर। इसी तरह से वित्त विभाग के हेड को हम फाइनेंस मैनेजर और परचेज मैनेजर बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या काम होगा, उत्पादन विभाग उत्पादन का कार्य करेगा, जब तक माल बिक नहीं जाता तब तक उसके रख रखाव की, उसकी पैकेजिंग की और उसकी क्वालिटी कंट्रोल का, ये कार्य कौन करेगा, उत्पादन विभाग। विपणन विभाग क्रय विक्रय पर जोर देगा और साथ ही साथ विज्ञापन करेगा, ग्राहकों की सेवा, प्री सेल आफ्टर सेल दोनों, और रिसर्च का भी कार्य करेगा। रिसर्च इस तरह की ग्राहकों की अभिरुचियों में क्या परिवर्तन हो रहा है, अब वो किस प्रकार के प्रोडक्ट चाह रहे हैं। वित्त विभाग क्या करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, और फिर पूंजी का ढांचा क्या होगा, उसमें समता अंश कितने, प्रेफरेंस शेयर कितने, वगैरह वगैरह। क्रय विभाग का काम क्या होगा, मशीनरी को क्रय करना, कच्चे माल का क्रय करना, और जो माल खरीदा गया उसका रिकॉर्ड रखना। तो ये आपने अभी तक जाना, अगर फंक्शनल डिवीज़न होता है, पर्सनल फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और हानि पढ़ ली इसकी। उसके बाद उद्देश्यों के विफल होने पर कई बार एक विभाग दूसरे विभाग पर ही दोषारोपण कर देता है। मान लिया उत्पादन विभाग को कोई एक टारगेट दिया गया था कि वह 20 दिनों में एक निश्चित मात्रा उत्पादन की कर ले, अगर वो नहीं कर पाया तो क्या करेगा, कहेगा कि क्रय विभाग ने हमें कच्चा माल जो है, क्रय विभाग ने हमें कच्चे माल की उपलब्धता नहीं कराई। ठीक है, तो इस तरह के दोषारोपण होते रहेंगे तो आपके लिए जनरल मैनेजर के तौर पर यह पता लगाना भी कठिन होगा कि किस विभाग की वाकई में त्रुटि रही है। ठीक है, कौन सा विभाग संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही से कार्य नहीं कर रहा, इसको पता करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसके बाद में फिर बच्चों आता है प्रभागीय ढांचा। प्रभागीय ढांचा क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा जान लीजिए। कुछ संगठन बहुत बड़े आकार के होते हैं तो उनमें एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, और जब भांति भांति के प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर आप ये पाएंगे कि कई सारे उत्पाद होंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया था सैमसंग का कि वो मोबाइल भी बनाता है, LED TV भी बनाता है, AC भी बनाता है, ये तीन मान लेते हैं कि इनके प्रभाग हो गए। तो अगर आप इन्हीं प्रभागों के आधार पर आप विभाग बनाते हैं, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये प्रभागीय ढांचा है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। एक हो गया मोबाइल डिवीज़न, एक हो गया AC एयर कंडीशनर डिवीज़न, और इसी तरह से एक टेलीविज़न यानी कि LED TV का जो है वो विभाग हो गया। ठीक, ये काफ़ी प्रभावी माना जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कहाँ अपनाया जाएगा, बड़े और जटिल उद्देश्यों वाले जो संगठन होंगे उन्हीं में ये अपनाया जा सकेगा। संगठन में जटिलता से निपटने के लिए इस तरह की संरचना आप उपयोग में ले आते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं तो रॉ मटेरियल एक साथ रखना, उनकी खरीदारी करना, उनकी मार्केटिंग करना, मोबाइल की जिस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए, चाहे टेलीविज़न की मार्केटिंग या एयर कंडीशनर की मार्केटिंग आप वही करेंगे, मोबाइल के यूजर्स अलग हैं, उनके कस्टमर्स अलग हैं, तो वहीं एयर कंडीशनर के कस्टमर्स अलग हैं, तो उनका सब कुछ अलग अलग ही होना चाहिए ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें ढांचे की तो इसमें एक प्रभागी प्रबंधक होगा, ठीक है, जो उस विभाग के सारे कार्यों को देखेगा, और प्रभागी ढांचा में प्रत्येक इकाई एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी कार्य करेगी, जैसे उत्पादन, वित्त, प्रदर्शन, विभागी, ये सब आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। जैसे आप ऊपर फंक्शनल में पढ़ रहे थे वो सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे उस एक प्रभाग को, बस ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग प्रभाग को अपने सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक उदाहरण दिया, जैसे कपड़ा इनका अलग है, संचार अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। ठीक है, तो एक अलग डिपार्टमेंट सारे काम करेगा, उत्पादन भी करेगा, क्रय भी करेगा, विक्रय भी करेगा, संचार वाला अलग अपना काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अलग चीज़ों का उत्पादन कर रहा होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें यहाँ से एक डायग्राम के ज़रिए, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक प्रबंध निदेशक होगा जिसे आप मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, MD, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, डायरेक्टर माने निदेशक, निदेशक माने डायरेक्टर, और मंडल माने होता है बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक को क्या बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब
तीन विभाग हो गए, एक तो कपड़ा विभाग हो गया रिलायंस का, एक संचार कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया जैसे जियो वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक विभाग जैसे कि विभिन्न प्रकार के मोबाइल या जैसे जियो फाइबर वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉनिक विभाग हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये सारे जो डिवीज़न हैं ये सारे काम कर रहे होंगे, ये उत्पादन कर रहा है, ये भी उत्पादन कर रहा है, ये भी उत्पादन कर रहा है, ऐसे ही क्रय विपणन वित्त, तो ये सारे काम इन सभी को भी करना है। तो ये आपने जान लिया कि कोई भी संगठन जो होता है उसका ढांचा दो तरह का हो सकता है, एक तो फंक्शनल और दूसरा डिविजनल, ठीक है। इसके बाद में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन आते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप सभी ने बहुत ध्यान से इसे देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, दोस्तों के साथ साझा करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि विद्या का दान जो होता है वो सबसे बड़ा दान है, और अगर इसमें आपकी कोई भूमिका हो सकती है तो उसका निर्वहन ज़रूर कीजिए। कुछ भी बात न समझ में आने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, बात अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें। नमस्कार।